बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान बनकर घूम रहे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को स्पष्ट करना चाहिए कि वक्फ बोर्ड भाजपा सरकार के संशोधन बिल पर वे किसके साथ खड़े हैं। ये बातें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय सदाकत आश्रम में आयोजित विशेष संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में सचेतक और वक्फ बोर्ड के संयुक्त संसदीय समिति में कांग्रेस की तरफ से नामित सदस्य डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने कही है, राहुल गांधी ने भारत को एकता अखंडता का संदेश भारत जोड़ यात्रा से दिए और हम देश में लगातार सकारात्मक राजनीति करेंगे। लीडर्स आते हैं तो उनके देश में क्या स्थिति है, इलेक्शन में मूड क्या था, मुद्दे क्या थे, कौन से बड़े मुद्दों को टेकअप किया गया था, उनके पॉलिटिकल नैरेटिव क्या था, उनके इलेक्शन में एजेंडा क्या था, कितना प्रोग्रेसिव था नहीं था, इसके ऊपर डिस्कशन हुआ करता था। बड़े से बड़े कंट्रीज के लीडर्स अपोजिशन के और पोजिशन में हैं, वो लीडर्स आया करते थे तो उनसे स्टूडेंट सवाल पूछते थे, बातचीत होती थी, सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस होते थे, पब्लिक टॉक्स होते थे, उसमें हम लोग सभी उस प्रोसेस के थ्रू गुजर के हम लीडर्स बन के आए। अगर आज